सृष्टि, कल मतदान है हमीरपुर में, ये कहें कि इस योग साधना को चूंकि मतदान से भी विपक्ष जोड़ करके देख रहा है, वहां पर किस तरीके की हलचल, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल श्वेता, देखिए हमीरपुर में कल चुनाव है, हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग अभी सड़कों पर नहीं है, नहीं तो हम बात करने की कोशिश करते, लेकिन 5-6 दिनों से लगातार जो लोगों से समझने की कोशिश की गई या फिर जो फीडबैक निकलकर सामने आया, यहाँ से सांसद है अनुराग ठाकुर जो बड़े दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ 6 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसकी 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आती है। इसीलिए बीजेपी के किए गए कार्य और सबसे ज्यादा 4 बार से सांसद अनुराग ठाकुर यहां से रहे हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य उन 6 विधानसभा सीटों पर भी अच्छा खासा असर डालने वाले हैं। और यहां से बीजेपी का यह दावा है, लगातार अनुराग ठाकुर यह कह रहे हैं कि ये 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है, जो कि सुक्खू सरकार पर आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकती है नंबर गेम को लेकर। यह जानकारी यहां से, कल का चुनाव बेहद अहम होने वाला है। अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो 4 बार से यहां सांसद रहे हैं, 5वीं बार बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा है। पहाड़ी इलाकों में व्यवस्थाओं को पहुंचाना और उसे सुनिश्चित करना बड़ा जटिल होता है, लेकिन जिस तरीके से विकास कार्य यहां पर किए गए हैं उसके दम पर अनुराग ठाकुर दावा कर रहे हैं कि वो बंपर जो है वो मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का क्या तैयारियां भी लगभग पूरी नजर आ रही है और सियासी सरगर्मी सभी ने देखी है। मंडी का रुख कर लेते हैं जहां पर वैसे तो मौसम में ठंडक रहती है लेकिन जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, फिलहाल किस तरह की स्थिति और अब मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाना क्या एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, मंडी में इस बार तापमान में बहुत ज़बरदस्त गर्माहट दिख रही है, यहाँ पर ठंडक नहीं है और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मंडी में गर्मी में भी तपिश जो है लोगों को सता रही है। अब अगर राजनीतिक सरगर्मी की बात करें तो देखिए, चुनावी मैदान में इस बार बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हैं बीजेपी की प्रत्याशी और उनके सामने है विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की तरफ से, जिनको विरासत में राजनीति मिली है और पूरी तरह से वो अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन विक्रमादित्य सिंह को लेकर देखिए, कहा जाता है अगर 1952 से हम देखें, थोड़ा इतिहास देखें, तो 20 बार अगर लोकसभा चुनाव हुए हैं तो 14 बार कांग्रेस ने जीता है और 6 बार तो वीरभद्र सिंह के परिवार ने ही यहां पर एकदम जीत दर्ज करवाई है। लेकिन इस बार विक्रमादित्य के जो बयान है वो उन पर भारी पड़ सकते हैं, जैसा उन्होंने तीखी और तल्ख टिप्पणी कंगना रनौत के चरित्र के ऊपर करी, उनके खान पीन के ऊपर करी, उनके मंदिर जाने पर करी, ये कहीं ना कहीं लोगों को निराश कर गया है। हालांकि देखिए, वोटर्स जो है उनमें जबरदस्त उत्साह है और यहां पर देख लीजिएगा, मंडी में जो है वोट प्रतिशत भी इस बार जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा क्योंकि हर कोई उत्साहित है 1 जून की तारीख को लेकर। उनका कहना है कि हमारे पास मुद्दे अनेक हैं, हम तैयार हैं और बीजेपी को लेकर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। खैर, नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये तो 4 जून को ही तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन मुद्दे आप देखिए, भले ही कांग्रेस पार्टी ओपीएस का बार बार जिक्र कर रही हो, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हो, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो बिल्कुल, प्रियंका वहाँ की इक्वेशंस बता रही है, क्योंकि कंगना के चुनावी मैदान में आते ही वहाँ पर जो एक तरह से कहे कि हलचल और बढ़ गई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ कमाल दिखाती है मंडी से लेकर हमीरपुर की जनता, ये तो हमें कल ही पता लगेगा।